हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सुथार गुजरात इंडिया से और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो है ये वाला चीज है, सीएनजी और एलपीजी दोनों गाड़ियों में लगता है। आप देख सकते हो इसके ऊपर लगता है, लिखा हुआ भी है एलपीजी और सीएनजी, ठीक है। तो जो भी सिक्वेंशियल किट रहता है उसके साथ ये लगता है, और इसका नाम है मैप सेंसर, और इसको प्रेशर सेंसर भी बोल सकते हैं हम। इसमें ये वैक्यूम की पाइप है और ये गैस जाती है जो इंजेक्टर के अंदर, वो वाली पाइप है। तो इसमें ये वाला कभी कभी खराब हो जाता है, तो किस तरह से इसको रिपेयर करना है, और कोई कोई रिपेयर नहीं भी होता है लेकिन ज्यादातर रिपेयर हो जाते हैं। तो इसको खोल के कैसे रिपेयर करना है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो अभी आप देख सकते हो ये मैप सेंसर है, इसको हम यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से ये ऊपर जो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से ये खोल जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको खोल के ओपन करके दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से आता है और क्या क्या चीज अंदर चेक करनी होगी हमें, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आप देख सकते हो ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन करने के लिए आपको एक छोटा सा पेचकस लेना है, और इस तरह से चारों भाग में यहाँ पर इसका अंदर रबर ट्यूब लगा रहता है, गम लगा रहता है, इसको छुड़ाना होता है, ठीक है। नॉर्मली गम रहता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है। तो इस गम को इस तरह से आप पहले छुटा कर दो और फिर इसको ओपन करोगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये इसका ढक्कन हमने खोल दिया, ऊपर से ऊपर वाला भाग खोल गया, और आप देख सकते हो ये वाला गम इस तरह से अंदर लगा रहता है, ठीक है। तो इस गम को हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, निकाल देंगे, और फिटिंग करने के टाइम पे हमें फिर से इस गम को लगाना होगा ताकि अंदर पानी बानी न जाए और ये वाली सर्किट पूरी अंदर से खराब ना हो इसके लिए, ठीक है। तो इसको फटाफट से मैं ओपन कर देता हूँ। इसके ये दोनों स्क्रू खोलने होंगे हमें, तो फटाफट से मैं इसका दोनों स्क्रू वगैरह खोल देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज करनी होगी। इसको पूरा मैं फटाफट से ओपन कर देता हूँ और ये सारे रबर वगैरह निकाल के क्लीन कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूंगा। तो अभी आप देख सकते हो इसका पूरा सर्किट हमने बाहर निकाल दिया, इसको फटाफट से खोल के, ठीक है। अभी अंदर की साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर दो ओरिंग लगी रहती है, ठीक है, दोनों के ऊपर, और यही अंदर की साइड में वैक्यूम और प्रेशर का काम करते हैं। एक भाग प्रेशर का काम करेगा, एक मैपिंग के लिए वैक्यूम का काम करता है। तो ये दोनों ऊपर की साइड ये सर्किट लगी रहती है, इसमें एक में वैक्यूम होता है और एक में प्रेशर आता है, उसकी वजह से आपको कंप्यूटर लैपटॉप में डेटा मिलता रहता है। आपको डेटा चेक करना है तो वो आप जो भी इसका सॉफ्टवेयर लगा के आप चेक करोगे उसमें ये डेटा यहाँ से मिलता है, ठीक है, ईसीएम पे जाता है, और ईसीएम से यहाँ पर। इसके ऊपर दोनों ये छोटी वाली देख सकते हो इस तरह की ओरिंग लगी रहती है। कभी कभी ये ओरिंग भी खराब हो जाती है, ठीक है, ये भी लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीकेज रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से ये दोनों ओरिंग को मैं बाहर निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको आगे आगे दिखाता रहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर कचरा जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप देख सकते हो ये वाला व्हाइट भाग है, वहां पे जो इसका फ्यूज रहता है अंदर की साइड में, उसका जो व्हाइट व्हाइट गम लगा रहता है वो लगा हुआ है। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि ये वॉल आर पार नहीं है, वो खराब हो चुका है। तो इसको निकाल देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसलिए लगा रहता है कि ये फ्यूज गर्म ना हो, इसलिए हीट ना हो, इसके लिए ये लगा रहता है, ठीक है। इसको भी हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये भी खराब हो चुका है। इसको फटाफट से निकालते हैं। और ये वाला भाग आप देख सकते हो फ्यूज किस तरह से लगा रहता है, ये रजिस्टर है वो इस तरह से ये व्हाइट वाले भाग के अंदर लगा रहता था इसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए ये व्हाइट रहता था कि ये फ्यूज गर्म ना हो, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल देते और फिर अंदर जो कचरा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले वॉल में आपको दूसरी रिंग देख सकते हो, इस तरीके से सभी दोनों सर्किट में दो दो चार रिंग है। ये चारों रिंग हम निकाल देता हूँ पहले मैं, और फिर मैं आपको आगे आगे दिखाता रहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर जो ये कचरा आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो अभी आपको अंदर मिट्टी मिट्टी दिख रही होगी। ये मिट्टी मिट्टी से ये अंदर से जाम हो चुका है, ठीक है। तो जाम हो जाएगा तो प्रेशर नहीं जाएगा इतना,
प्रेशर ज्यादा नहीं जाएगा, इस सेंसर को पता नहीं चलेगा कि प्रेशर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर का ऑयल ही बंद हो जाता है, ऐसी मिट्टी जम जाती है, ठीक है। और ऑयल वगैरह सीएनजी में थोड़ा बहुत तो कचरा आता ही रहता है। ये मैप का सेंसर है और वो प्रेशर वाला, मैप वाले में भी आपको दिख रहा होगा मिट्टी मिट्टी अंदर जा चुकी है। तो इन दोनों को हम क्लीनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मिट्टी है, इस ऑयल को कंप्लीट क्लीन कर देते हैं खोल के, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको क्लीनिंग कर देता हूँ अभी। तो अभी इसकी क्लीनिंग कंप्लीट कर दी है और आप देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों ऑयल कॉपे में अंदर से थिनर या पेट्रोल से आप क्लीनिंग कर सकते हो। तो मेन तो ये दो ऑयल है अंदर, जो वैक्यूम की पाइप लगती है ये दोनों भाग, और इसका टी जैसा अंदर का सेप रहता है उसको कम्प्लीटली क्लीन करना होता है। तो अभी आप देख सकते हो एकदम से नया पेटी जैसा क्लीन कर दिया गया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पर आप ऑयल देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, फूंक मार के मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो इस तरह से अंदर की साइड वॉल भी आपको दिख रहा होगा क्लीन है, ठीक है। इस तरह से ये वैक्यूम वाला भी आपको दिख रहा होगा क्लीन है, ठीक है। तो इस तरह से कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए, अंदर जरा सी भी मिट्टी वगैरह नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आपको ये जो आगे का भाग दिख रहा है वो मिट्टी जैसा, लेकिन वो मिट्टी निकल नहीं रही थी, ठीक है। तो वो क्लीन है वॉल इसका, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मैप वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, वो वैक्यूम करता है तो नहीं रहता है, लेकिन प्रेशर वाले में रहता है। तो अभी ये दो रिंग और रिंग है इसकी, आप चेक कर सकते हो, दो दो चार, ठीक है। सभी रिंग भी आपको कम्प्लीटली चेक कर लेनी है। तो मैं इस तरह से पेचकस में लेके छोटी रिंग है तो इसको घुमा के चेक कर लेता हूँ कि कहीं से टूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये कहा कहीं से टूटा फूटा रिंग रहेगा तो ये नहीं लगानी है आपको, ठीक है। आपको दूसरी वाली लगा देनी है, इसके बदले इसको चेंज कर लेनी है आपको। तो इस तरह से दोनों को हमने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। इसके ऊपर भी दो लगेंगे, इसके ऊपर भी, दोनों सेंसर के ऊपर दो लगेगी, तो दोनों रिंग को लगानी होगी हमें। तो अभी आप देख सकते हो इसके ऊपर ये रिंग को मैं फिटिंग कर देता हूँ इस तरह से हाथ से लेके। अभी मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे से दिखाई दे इस तरह से बता देता हूँ। तो देख सकते हो आप, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो इस सेंसर के ऊपर हमें इसको लगाना होगा दोनों को इस तरीके से। आपको रिंग को मैं रबर के ऊपर लेता हूँ, छोटी है तो, और इस सेंसर के ऊपर आप इस तरह से सेंसर के ऊपर आप हाथ से लगा दो दोनों को, ठीक है। एक यहाँ पर लगेगी, एक यहाँ पर, और दोनों के ऊपर दोनों लगा के फिर आपको फिटिंग करनी है उसके अंदर, ठीक है। तो दूसरी भी मैं लगा देता हूँ, एक लगा दी हमने इसके ऊपर, दूसरी लगा दी, ठीक है। दोनों एक के ऊपर लगी है, अभी इसके ऊपर भी दोनों रिंग लगा देंगे। रिंग भी अभी देख सकते हो क्लीन है, कंप्लीट है, परफेक्ट रिंग है। इसको यहाँ पर पहले लगा देंगे, इसके ऊपर ये वाली दूसरी रिंग भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों दो दो रिंग दोनों में लग चुकी है। अभी आपको कंप्लीटली मैं साइड में करके दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो इस तरह से ये दोनों रिंग इसके ऊपर लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी, और इसको कंप्लीटली अभी इसके अंदर
जो बॉडी है इसकी बॉडी के अंदर फिट कर देंगे, और आप देख सकते हो रिंग परफेक्टली परफेक्ट है हमारी। तो इस तरह से रिंग कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से लीकेज रहेगा तो भी प्रॉब्लम वही का वही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो इस तरह से आपको इसका सर्किट वगैरह भी कंप्लीटली चेक कर लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस बॉडी के अंदर हम इसको इस तरीके से, ये वाला जो पिन रहता है पिन वाले भाग में आपको लगा के सीधा सीधा अंदर फिटिंग कर देना है। ठीक है, इसमें जरा भी कचरा वगैरह नहीं रहना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पिन वाला भाग, और आप देख सकते हो सीधा ही सीधा रिंग लीकेज ना हो इसका ध्यान रखना होता है। रिंग के लिए ये दोनों स्क्रू ऊपर लगाया जाता है, बाकी कोई अंदर स्क्रू नहीं लगाते तो अभी चलता, लेकिन रिंग से लीकेज ना हो इसके लिए ये दोनों स्क्रू लगाए जाते हैं, दोनों बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको फटाफट से मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो अभी इसको कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया, और इसका लीकेज वगैरह ना हो इसके लिए चेक करने के लिए यहाँ पर आपको उंगली रखनी है, और आप देख सकते हो यहाँ से मुंह से हम खींच खींच के हवा चेक करेंगे, वैक्यूम करेंगे मुंह से थोड़ा बहुत खींच के, और इस तरीके से चेक कर लेना है कि जरा सा भी लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रिंग कम्प्लीट है हमारा, परफेक्ट है, और ये वैक्यूम वाले में भी इस तरह से खींच के हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट है, इस तरीके से दोनों को चेक कर लेना है, और अंदर की साइड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर हम कवर इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन हमें इसके आसपास में पहले मैं गाड़ी में लगा के चेक करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, फिर इसके ऊपर हम एनाबॉन्ड लगाएंगे, इससे पहले एनाबॉन्ड को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको गाड़ी के अंदर लगा के फिटिंग करके चेक करूंगा। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।